आज हम इस तरह से सीम आलू की सब्जी बनाएंगे। ये रेसिपी बिल्कुल ही नई है और इसे बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो चलिए सीम आलू की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। सीम आलू की सब्जी बनाने के लिए यहाँ पर 500 ग्राम बड़ा वाला सीम लिए हैं। इसे अच्छी तरह धो लिए हैं। आलू 6 से 7 इसे उबालकर छील लिए हैं। सबसे पहले सीम को दोनों साइड से इस तरह से छीलकर काट लेंगे। इसी तरह सभी सीम को दोनों साइड से छीलकर काट लेंगे। सभी सीम को छीलकर काट लिए हैं। अब इसे उबाल लेंगे। यहाँ पर पानी को गर्म कर लिए हैं। अब इसमें सीम डालेंगे। नमक 1 चम्मच। इसे अच्छी तरह मिला लेते हैं। नमक को अच्छी तरह मिला लिए हैं। इसे इसी तरह बीच बीच में चलाते हुए 4 से 5 मिनट उबालेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। सीम बॉयल हो चुका है। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे पानी से निकाल लेंगे। सभी सीम को निकाल लिए हैं। ये पानी को फेंकेंगे नहीं, रख लेंगे ग्रेवी में डालने के लिए। अब सभी आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं। इसी तरह सभी आलू को काट लेंगे। सभी आलू को काट लिए हैं। अब इसे फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच तेल को गरम कर लिए हैं। अब इसमें आलू डालेंगे। इसे थोड़ा चला दिए हैं। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। 2 से 3 मिनट इसी तरह फ्राई करेंगे। आलू फ्राई हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे। इसी तेल में 1 चम्मच तेल और डालेंगे और सीम को फ्राई कर लेंगे। तेल गरम हो चुका है। अब इसमें सीम डाल लेते हैं। सीम को थोड़ा चला दिए हैं। इसी तरह इसे भी 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। सीम को 3 मिनट फ्राई कर लिए हैं। अब इसे निकाल लेंगे। सीम को निकाल लिए हैं। इसी तेल में मसाला को तैयार कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे तेज पत्ता, 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी दालचीनी, 2 कटी हुई हरी मिर्च,
कुछ सेकंड इसी तरह भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। कुछ सेकंड हो चुका है, अब इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, एक प्याज का पेस्ट, इसे अच्छी तरह मिला लिए हैं। 30 सेकंड इसे इसी तरह भूनेंगे। तीस सेकंड हो चुका है, अब इसमें सभी सूखा मसाला डालेंगे। हल्दी पाउडर आधा चम्मच, धनिया पाउडर एक चम्मच, एक चौथाई चम्मच जीरा पाउडर, एक चौथाई चम्मच काली मिर्च का पाउडर, एक चौथाई चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। सभी मसाला को मिला लेते हैं। सभी मसाला को मिला लिए हैं। एक मिनट इसे इसी तरह भूनेंगे। फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे। एक मिनट सभी मसाला को भून लिए हैं। अब इसमें दो कटे हुए टमाटर डालेंगे, नमक डालेंगे आधा चम्मच। अब सभी को अच्छी तरह मिला लेंगे और टमाटर को हल्का सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। टमाटर हल्का सॉफ्ट हो चुका है, अब इसमें फ्राई किया हुआ आलू डालेंगे। आलू को अच्छी तरह मिला लेंगे। आलू को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसमें सीम वाला पानी डालेंगे जो रख लिए थे। अब इसमें फ्राई किया हुआ सीम डालेंगे। इसे मिला लेंगे। सीम को अच्छी तरह मिला लिए हैं। अब इसमें अच्छी तरह उबाल आने देंगे। इसमें उबाल आ चुका है, इसे दो मिनट इसी तरह पकाएंगे। दो मिनट हो चुका है, सब्जी तैयार हो चुका है। अब इसमें थोड़ी सी हरी धनिया पत्ती डालकर मिला लेंगे। हरी धनिया पत्ती को मिला लिए हैं। अब गैस को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। ये सीम आलू की सब्जी बनके तैयार हो चुका है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। आप एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे घंटी के निशान को दबाएं ताकि हमारे आने वाले सारे नई रेसिपी का वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।